दोस्तों, इस समय मैं हूँ अपने होम टाउन जिसका नाम है मेहदावल, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं इस समय अपने घर पे हूँ दिवाली में। आपको मैं जो चीज़ आज दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ें शायद पूरे इंडिया से ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। अभी ये मेरे पीछे देखिए, नीम का पेड़ है। इतना बड़ा पेड़ है नीम का, ये करीब करीब 100 साल से ऊपर पुराना पेड़ है, जिसके नीचे यहाँ पर देख रहे हो आप पूजा होता है। ये विंध्येश्वरी माता का स्थान है, ठीक है। ये हमारे दरवाजे पर एक कुआं है और इसके जस्ट पीछे ये सब हमारा, यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होता है। और ये मेरा जो नया घर है पीछे यहाँ पर, ये मेरा न्यू घर है, ठीक है। नए घर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। जो आज जो स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर है मेरा पुराना घर, जिसको आप देखोगे जो करीब करीब 150 साल का इसका पूरा इतिहास है टोटल, नींव से लेकर बनने तक का। ऐसा घर शायद ही आपने कहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो वो ख़त्म हो चुके हैं आज के टाइम में। लेकिन ये घर मेरा जो पुराना घर है वो बिल्कुल एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इधर मेरा नया घर है जो कि अभी 2022 में बन के तैयार हुआ, ये 3-4 साल में बन के कम्प्लीट हुआ है। जो पुराना घर है उसको बारे में दिखाऊंगा, और आप देखोगे कि ऐसे घर अब के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, और आज से 100 साल से भी पुराने टाइम में ये घर कैसे बने होंगे। तो ये बहुत ही एक रोचक कहानी है इसके पीछे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा नया घर जो है, ये न्यू घर है, ठीक है। ये पूरा न्यू घर है, वहाँ पीछे तक है, तो मैं इसको अभी बाद में दिखाऊंगा थोड़ा सा। इसको जो मुझे दिखाना है वो ये है, ये मेरा पुराना घर है। ये सारे घर अपने, ये सारे कजिन्स के घर हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो घर आप देख रहे हो ये पुराना घर है, जिसमें मेरा मेरा खुद का बचपन करीब 8-10 साल की यहाँ पर बीता है इस घर में। इस घर की लेंथ आप देख सकते हो, करीब करीब ये जो है ना, ये 100 फिट की लेंथ है, और ये घर पूरी तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में है। इधर भी अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से, उधर देखिए वहाँ पर, वो स्क्वायर के फॉर्म में ये पूरा घर है। ये घर अभी तक सुरक्षित है। यहाँ पर ये मेरे पापा खड़े हैं, इनका भी घर यहाँ पर ही है। ये हमारी सबका घर है, हमारे कज़िन का सबका घर है यहाँ पर, ठीक है। इस घर में सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत व्यवस्थित है। दरवाजे पे कम से कम 10 लोगों के सोने की जगह है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। और यही सेम सीन जो है पीछे भी है, पीछे भी अगर देखा जाएगा पीछे भी सेम, जो खिड़की में वो लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, खिड़की में भी यही सीन है बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। ये सब अभी न्यू घर बने हैं कजिन्स के हमारे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से पीछे भी उतना ही स्पेस पीछे भी है, जस्ट पूरा है ना, सब कुछ एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। देखो ये पूरा, ये स्टार्टिंग का एक तरीके से स्टोर रूम में काम लिया जाता था, सब अनाज उनाज जो है यहाँ पर रखे जाते थे, ठीक है। वैसे तो ये काफी कुछ अब टूट चुका है, पहले आज के 4-5 साल पहले ये पूरी तरीके से सही था सब, ठीक है ना। ये यहाँ से गायब हो गया है ना। और आपको मैं बता दूँ कि ये मेरा घर हुआ करता था, रूम हुआ करता था, ये इसी रूम में मैं रहा हूँ, कई साल रहा हूँ इस रूम में, ये रूम, इस रूम में पूरा बचपन, बचपन क्या आप कह दो, मैं बहुत यंग एज तक भी इसमें रहा हूँ, है ना। बहुत हालत खराब है यहाँ की। इसके बाद से देखिए बहुत सारे रूम है, बीच में ये इतना बड़ा आंगन है यहाँ पर, है ना। इस आंगन में बारिश होता था तो हम लोग यहाँ पर जो है नहाते थे बारिश में, चारों तरफ से ज्यादा से पानी गिरता था, ठीक है। अब तो इस आंगन का और भी बुरा हालत हो चुके हैं, है ना। उसके बाद से ये रूम है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखोगे चारों तरफ रूम ही रूम है। अगर आप सिर्फ इतने में बोलोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 रूम सिर्फ और सिर्फ इतने में ही है, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, ये डबल फ्लोर का खपड़ैले का मकान है। डबल फ्लोर का खपड़ैले का मकान ऑल ओवर इंडिया अगर आप खोजोगे तो बहुत ही रेयर ही मिलते हैं। इसको कोठी बोलते हैं, एक्चुअली ये मकान नहीं, इसको कोठी बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे इस पुराने घर में गोबर गैस प्लांट पूरी तरीके से लगा हुआ है,
और सप्लाई होती थी, और हमारे घर में आज के 25 साल पहले पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और ईंधन का काम यानी कि गैस का काम पूरी तरीके से गोबर गैस प्लांट के थ्रू चलता था। पूरी तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट थे गैस को लेकर और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, पूरा गोबर गैस प्लांट के थ्रू चलता था। और बड़ी मात्रा हमारे घर भैंस हुआ करती थी जिससे गोबर आता था, फिर गोबर से हम लोग गैस बनाते थे। मैं नहीं, मतलब हमारे और लोग बनाते थे। और आज के टाइम में वो प्लांट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब वो प्लांट कहीं, मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया वो खत्म हो चुका है। ये सब प्लांट इस तरीके से यहाँ सेटअप बनाए गए थे, ये सब सेटअप बनाए गए थे। ये पहले टाइम में किचन हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारा स्पेस अनाज रखने के लिए, ग्रेन्स रखने के लिए सब। ये पूरा ये बहुत बड़ा, ये क्या 20x30 का यह पूरा जो है अंदर इस पूरा स्पेस बना हुआ है। इसके अंदर वॉशरूम भी हुआ करता था, यहाँ किनारे साइड में वॉशरूम हुआ करता था, ठीक है। तो ये पूरा स्पेस था। और ये जो डोर है, ये डोर जो है बैक साइड में निकल जाता है, जिसमें उतनी ही जगह है जितनी जगह जो है आपने बाहर देखी थी, जस्ट उतनी ही जगह यहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही कमजोर हो चुका है, ज्यादा देर यहाँ पे टिका नहीं जा सकता है ना। फिर भी अभी तक ये, अब आप, मैं आपको बता दूं जिस, मैं डबल फ्लोर के बारे में बात कर रहा हूँ, देखिए वो डबल फ्लोर है, मतलब जितना रूम नीचे है उतना ही जस्ट ऊपर है। और उसकी सीढ़ी भी जो है वो नीचे से ही गई हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, जब हम लोग स्कूल से आते थे तो छुपने के लिए ऊपर चले जाते थे और ऊपर पढ़ाई किया करते थे, ठीक है। तो बचपन यहीं पर बीता, और उस अपने कभी भी रूट को भूलना नहीं चाहिए। तो हम कभी भी इस घर को भूल नहीं सकते, जब तक ये घर है तब तक है। अभी भी इसको है ना पूरी तरीके से देखेंगे आप, तो इतना पुराना घर होने के बावजूद भी ये बिल्कुल उसे टिका हुआ है, क्योंकि केयर नहीं हो रहा है। इसको हमेशा रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, इसको छाने की जरूरत पड़ती है, मिट्टी लगा के दाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सबके पास अपना अपना नया घर है कई सालों से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए किस तरीके से ये सब दीपक रखने के लिए बनाया गया, सब दीपक रखने के लिए बनाया गया था यहाँ, है ना। इसको ताखे बोलते हैं, इसको ताखा बोलते हैं, ताखा जैसे ताखा, ठीक है। सब कपड़े टांगने के लिए इस तरीके की चीजें बनाई जाती थी। ये कलाकृतियां आप देख सकते हो, सब आज के 100-150 साल पहले कैसे पॉसिबल था। देखिए ये बाहर की, इसको कोठरी बोलते हैं, ये बाहर की कोठरी है ना। इसमें हमारे बाबा रहा करते थे, और वो हमारे उसमें बड़े पापा अभी भी रहते हैं, उनको मकान उधर है लेकिन यहाँ भी अभी भी रहते हैं वो यहीं पर अपना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेरे बड़े पापा हैं वहाँ पर, ये सुबह 4 बजे उठकर थ्रू आउट द लाइफ अभी तक 4 बजे उठकर एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देते हैं। मेरे घर के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, और दूसरा मैं हूँ। गोबर गैस प्लांट जिसको बायोगैस प्लांट भी बोलते हैं, आज के 30 साल, 25-30 साल पहले हमारे घर में ये एग्जिस्ट हुआ करता था। आज तो ये बंद हो चुका है, क्योंकि अब गोबर की ही इतनी शॉर्टेज है और कॉस्टली भी पड़ता है इसको मैनेज करना। लेकिन आज के बहुत साल पहले भी हमारे घर ये था। देखिए इसमें ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर काउडंग यानी गोबर और पानी को, काउडंग और पानी को यहाँ पर मिलाया जाता था, ठीक है। इसमें घोलते थे, और घोल के ये सब कुछ जो है इस रास्ते जो है यहाँ पर बह के इसमें जाता था, यहाँ दिखाइए, इसमें जाता था, ठीक है, बह के इस रास्ते इसमें जाता था। और यहाँ जाने के बाद ये यहाँ पर इस वाले बड़े टैंक में पहुँचता था, यहाँ बड़े टैंक में पहुँचता था, और इसमें एक पूरी तरीके से एनारोबिक इन्वायरमेंट बनता था। बैक्टीरिया जो होते थे उसको कंज्यूम करके, जब नीचे कंज्यूम करते थे उसको एनारोबिक बैक्टीरिया, पूरा एनारोबिक प्रोसेस जब होता था, तो इस रास्ते गैस निकलती थी। और इस रास्ते जब गैस निकलती थी, इसी की सप्लाई हमारे इस घर में पूरी तरीके से पहुंचती थी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है, कभी अगर मान लो कमी पड़ गई, कभी अगर कमी पड़ गई कि मतलब
आपको ज़रूरत पड़ गई, थोड़ा माल कम पड़ गया है, स्लज को ऐड करना है, तो उधर से नहीं इधर से ऐड किया जाता था। ये पूरा एक गोबर गैस प्लांट था, घर का पूरा नीड इलेक्ट्रिसिटी का और फ्लेम का पूरी तरीके से नीड को पूरा करता था, ठीक है। और उधर जो आप ये देख रहे हो, ये मेरा एक दूसरा एक नया हाउस बन रहा है यहाँ पर, एंड फॉर कमर्शियल पर्पज़ इसको हम लोग बना रहे हैं। और ये सारे घर ही अपने सभी कजिन्स लोग के घर हैं ये सारे, ठीक है। और यहाँ हमारी जो है ये हमारी गैया है, ठीक है। ये जो है ये सब हमारी गैया है, और यहाँ से हमारा नया घर स्टार्ट हुआ है, इधर से हमारा नया घर स्टार्ट हुआ है। और नए घर में ये पूरा नया घर है, ठीक है। और काफ़ी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पर, है ना। वहाँ से लेकर और जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ तक नया घर है, आप देख सकते हो ये पूरा न्यू घर है। न्यू घर के बारे में कभी और बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो न्यू घर में तो सबका घर एक ही तरह होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो काफ़ी मैनेज्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर है, काफ़ी फर्निश्ड है। जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, जो दिखाना था वो मुझे वो ये दिखाना था, है ना। ये घर